दोस्तों कोरोना वायरस के बाद अब बॉलीवुड की जो नैया है डूब चुकी है। दरअसल पिछले साल लगा लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड और सिनेमा घरों को बड़े नुकसान से जूझना पड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड को बॉयकॉट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए। और अब फाइनली दोस्तों फिल्में रिलीज़ होने लगी है तो कोरोना का खौफ और बॉलीवुड बॉयकॉट का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में रिलीज फिल्में हुई रूही, मुंबई सागा जैसी फ्लॉप साबित हुई, जबकि हॉलीवुड की फिल्म दोस्तों काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई जिसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। ऐसे में पूरी बॉलीवुड की जो डूबती हुई इज्जत है वो बचाने के लिए दो बड़े एक्टर का नाम सामने आ रहा है, वो है दोस्तों अक्षय कुमार और सलमान खान, जो कि दोस्तों अगले महीने 30 अप्रैल और सलमान खान 13 मई को अपनी फिल्में रिलीज़ करने के लिए आ रहे हैं। इन दो फिल्मों से ये साफ हो जाएगा कि बॉलीवुड का जो बॉयकॉट होने वाला सिलसिला है आखिर कब तक चलेगा, क्योंकि दोस्तों फिलहाल की फिल्में तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही है, अपने बजट को निकालने में भी असफल। ऐसे में सूर्यवंशी और राधे क्या सिनेमा घरों में पब्लिक को वापस खींच पाएगी? सिनेमा घरों में क्या जो कोविड का खौफ है वो ख़त्म कर पाएगी? सिनेमा घरों में लगातार जो दोस्तों घाटे का सौदा चल रहा है, क्या वो प्रॉफिट में बदलेगा? क्या बॉलीवुड की फिल्में फिर से 200, 300, 400, 500 करोड़ की कमाइयां कर पाएंगी? बड़े सवाल इन्हीं दो फिल्मों पर टिकी हुए हैं। अक्षय और सलमान के हाथों दोस्तों पूरे बॉलीवुड की कमान है। फिलहाल ये दो ही ऐसे बड़े एक्टर हैं जिनकी फिल्में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती हैं। सलमान खान की फिल्में करोड़ों का व्यवसाय कर जाती है तो अक्षय कुमार की फिल्में हिट का टैग लेके ही निकलती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, राधे और सूर्यवंशी बॉलीवुड की डूबती नैया का सहारा बनेंगे? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब करें दोस्तों देखो देखो, ताकि आपको आने वाली हर खबर यहाँ मिल जाए सबसे पहले।